में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जहां तीर्थयात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के डामटा में वाहन गहरी खाई में गिर जाने के कारण यह हादसा हुआ। दुर्घटना के वक्त वाहन में करीब 27 से 28 लोग सवार बताए जाते हैं। हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से 28 तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस उत्तरकाशी जिले के डामटा के पास खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। हादसे के बाद मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम काफी देर तक राहत और बचाव कार्य में लगी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड बस दुर्घटना में मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मध्य प्रदेश से यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों को हादसे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा होगा। अचानक बस खाई में गिरते ही सब सिहर उठे, एक पल में सब कुछ उजड़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद खाई में जगह जगह सिर्फ लाशें ही दिख रही थी। खाई की तरफ नजर जाते ही रूह कांप उठती है। बस के खाई में गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। हर तरफ चीख पुकार की आवाज ही सुनाई दे रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस के खाई में गिरने के बाद उसके परखच्चे उड़ गए।